नवी मुंबई नेटवर्क। भूमिपुत्रों की ताकत को हल्के में लेने वाले रिलायंस जियो के खिलाफ भूमिपुत्रों ने अब अपना यलगार छेड़ दिया है। भूमिपुत्रों को नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग के साथ भूमिपुत्र जनरल और माथाड़ी कामगार यूनियन के बैनर तले आदिल शेख और यूनियन के अन्य पदाधिकारियों ने सांडपाड़ा रेलवे स्टेशन में स्थित रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के दफ्तर के सामने ठिया आंदोलन कर रिलायंस जियो के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान भूमिपुत्रों और कामगार यूनियन ने रिलायंस जियो हाय हाय का नारा देते हुए जियो ऑफिस के मनमाने कृत पर अपनी जोरदार भड़ास निकालते हुए कहा कि एक महीने से लगातार पत्र व्यवहार और मांग के बावजूद भी मैनेजमेंट के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही और इसीलिए उनके बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने और भूमिपुत्रों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग के साथ उन्होंने कंपनी के ऑफिस के बाहर ही जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रिलायंस जियो कंपनी के खिलाफ अपना तीव्र रोष व्यक्त किया है। भूमिपुत्र जनरल और माथाड़ी कामगार यूनियन के पदाधिकारियों के गुस्से को देखते हुए इस दौरान भारी पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने इशारा देते हुए कहा कि रिलायंस जियो के लोग भूमिपुत्रों के सब्र का इम्तिहान न ले वरना अगली बार आंदोलन और तीव्र होगा। इस तीव्र आंदोलन और पुलिस की मध्यस्थता के बाद आखिरकार मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और उन्होंने आंदोलनकारियों का निवेदन स्वीकार कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। वारंवार पत्र व्यवहार करून सुद्धा रिलायंस जियो आमच्या मागण्या जो आम्ही भूमिपुत्रांच्या मागण्या आहेत त्या कुठेतरी ते पूर्ण करण्यास अपयशी ठरत आहेत। त्यासाठी आम्ही आज इथं ठिय्या आंदोलन मार्फत आमची मागण्या पूर्ण करा यासाठी आम्ही इथे बसलेलो आहोत। परंतु साधा आमचं निवेदन घेण्यासाठी पण रिलायन्स जिओचं कोणी कर्मचारी अजूनपर्यंत बाहेर आलेलं नाही आहे। तर त्यांनी जर आमची परीक्षा घेऊ नये आणि आमची परीक्षा जर ते घेत असतील तर उद्या किंवा परवा आज इथं पोलीस प्रशासन पण उभा आहे। येणाऱ्या दिवसामध्ये ह्याच्यावरून तीव्र आंदोलन आम्ही इथे करू। महिन्याभरापासून आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे। आमच्या मागण्या आम्ही सांगतो की आमच्या स्थानिकांना कामं द्या, त्यांच्या हाताला रोजगार द्या, ते त्यासाठी अपयशी का ठरतात तेच मला समजत नाही आहे। आणि जर त्यांना भूमिपुत्रांचे हक्क आणि भूमिपुत्रांचं कळकळ समजत नसेल तर आम्ही इथं अशा प्रकारे आंदोलनासाठी बसलेलो आहोत आणि आज जर आमच्या मागण्या त्यांनी नाही समजून घेतल्या तर येणाऱ्या दिवसात आम्ही याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करू। इस सकारात्मक आश्वासन के बाद भूमिपुत्र जनरल और माथाड़ी कामगार यूनियन ने कंपनी को फिर एक और बार चेतावनी दी कि अगर मैनेजमेंट ने उनकी मांगों को एक महीने के भीतर मान्य नहीं किया तो आंदोलन और तीव्र होगा। सर्वप्रथम आम्ही इकडचे भूमिपुत्र आहोत, आम्ही इकडचे स्थानिक आहोत, इथं सर्वात पहिला प्राधान्य आम्हाला भेटला पाहिजे। इथं जे पण कामं निघतील माथाडीचे असो किंवा अनेक कामं असो कुठलीही, ते पहिला हक्क आमचा आहे इकडे। याच्यानंतर जर आमचं काय म्हणजे आमचा फॉलोअप घेतला नाही आमच्या पत्राचा तर आम्ही याच्याहून मोठा आंदोलन इकडे करू। गौरतलब है की नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वर्गीय दीपा पाटील का नामांकन के मुद्दे को लेकर भूमिपुत्रों की ताकत और एकजुटता के सामने सरकार को झुकना पड़ा था। ऐसे में अब भूमिपुत्रों ने भी ये तय कर लिया है कि अपने अधिकारों के साथ अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब देखने योग्य बात यही होगी कि इस ठिया आंदोलन के बाद रिलायंस जियो क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।